गोपाल का जो उपचुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। दो सीटों पर आरजेडी ने उपचुनाव लड़ा, उसके बाद अब तीसरी सीट उपचुनाव के हिस्से में आई तो वो जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी ने दे दिया। हालांकि सीट आरजेडी की थी, लेकिन महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने के बाद अभी से ही 2025 और 24 की रणनीति बनने लगी है। यानी दो सीट आरजेडी लड़ी तो एक सीट पर अब जेडीयू लड़ेगी चुनाव। दावा जनता दल यूनाइटेड पहले से करती आ रही थी, हालांकि यह दावा मोकामा में भी किया गया था। लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर जेडीयू के नेताओं ने कहा था कि मोकामा की सीट भी जनता दल यूनाइटेड को मिलनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार को लेकर पूरी तरीके से इस बात पर अड़ गया कि मोकामा की सीट आरजेडी ही लड़ेगी और आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव के मैदान में उतारा गया और वहां वो चुनाव जीत गए। और अब बात मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा की है। कुढ़नी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, उनकी सदस्यता जाने के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है और अब इस सीट पर पहले जो चर्चा थी कि वो आरजेडी ही उस पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं वो इस बात पर सहमति भर चुके थे कि उम्मीदवार आरजेडी का होगा। लेकिन ऐन वक्त पे जो राजनीतिक जो घटनाक्रम हुई उसके बाद से वो सीट अब जनता दल यूनाइटेड को चला गया है। जो जानकारी निकल के सामने आई उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जेडीयू ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने के लिए राजद को मना लिया है। हालांकि चर्चा ये हो रही थी कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर राजद जिसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रहा था वो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। आरजेडी उनके ऊपर दाव लगाना चाह रही थी, उनको राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराकर उनको टिकट देने की बात सामने आ रही थी। लेकिन बीती रात जो खबर निकलकर सीएम हाउस से आई उसके अनुसार ये है कि अब ने कुढ़नी विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड के पाले में चला गया है। यानी जेडीयू ने उस पर दावा किया और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मान गए। तेजस्वी यादव गोपाल का चुनाव हारने के बाद से थोड़ा सा पूरी तरीके से अब महागठबंधन में दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए। कुढ़नी विधानसभा सीट छोड़कर राजद ने यह संदेश दे दिया कि महागठबंधन में सभी दलों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी सिटिंग सीट छोड़ दिया है उससे यह तस्वीर भी साफ हो गई है कि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव है, राजद कई सीटों पर समझौता करेगी जनता दल यूनाइटेड के साथ। साथ ही साथ जेडीयू और आरजेडी सहित महागठबंधन के कई जो दल हैं अपने सीटिंग सीट भी छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर यही तालमेल बना रहा तो आने वाले वक्त में बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जो रणनीति नीतीश कुमार बना रहे हैं उस रणनीति के तहत कहीं जेडीयू को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी तो कहीं राजद को अपनी सीटें। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर आरजेडी से ज़्यादा अब जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी हो गई है और देखना है कि इस चुनाव में किसको महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार ये है कि आज महागठबंधन के सभी जो दल हैं वो बैठकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे।